बेंगलुरु में फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर हुई हिंसा के बाद मेरठ में एक समाज सेवी ने पोस्ट करने वाले आरोपी व्यक्ति का सर कलम करने वाले को 51 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की। सोशल मीडिया पर जारी हुआ समाज सेवी का यह बयान तेजी के साथ वायरल हो रहा है। दरअसल फलावदा थाना क्षेत्र के रहने वाले साहजेब रिजवी ने सोशल मीडिया पर एक बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने पैगंबर साहब के खिलाफ फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने वाले कांग्रेस विधायक के भांजे के सिर पर 51 लाख का इनाम घोषित किया है। सभा सेवी साहजेब रिजवी का दावा है कि मुस्लिम समाज के सभी लोग चंदा एकत्र करके यह रकम जमा करेंगे, तो वही मेरठ पुलिस अपनी छवि बनाए रखने के लिए तत्काल मुकदमा करने से भी पीछे नहीं है। गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर ताबड़तोड़ दबिश दी जा रही है, पर आरोपी अभी हाथ नहीं आया है। मेरा नाम शाहजेब रिजवी है और मूल रूप से मैं रसूलपुर का निवासी हूँ। रसूलपुर कहाँ पड़ता है? थाना फलावदा, तहसील सरदना और जिला मेरठ। आज परसों रात बेंगलोर के अंदर कांग्रेस विधायक के भांजे ने जो अपनी फेसबुक पोस्ट पर हुजूर के शान में गुस्ताखी की है, मैं उसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और उस युवक को जो हुजूर की शान में गुस्ताखी की है, उस युवक का जो सर कलम करके लाएगा उसे मैं 51 लाख रुपए का नकद इनाम दूंगा। और मेरे समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग उस पैसे को इकट्ठा करने में मेरे साथ मदद करेंगे। थाना फलावदा में एक व्यक्ति द्वारा बेंगलुरु की घटना को लेकर 51 लाख रुपए का इनाम घोषित किए जाने की बात सामने आई है। इस प्रकार की जो सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश यदि किसी भी व्यक्ति द्वारा की जाएगी तो उस पर सख्त से सख्त विधि कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस प्रकार के दिशा निर्देशों के चलते इस पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। इस व्यक्ति पर सख्त से सख्त विधि कार्रवाई भी होगी और जो भी सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश करेगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। धन्यवाद। We'll be right back.